पिता सब कुछ संभालेगा। तू ही है मेरे पिता सब कुछ संभालेगा। चर उसकी 14 हुआ अधिकार 11 हुआ वचन पढ़िए। आमीन हालेलुया हालेलुया। कौन अपने आप को छोटा किया जाएगा वो बड़ा बनाए जाए, कौन बड़ा बनाए जाए वो छोटा किया जाए, किस में बड़ा दिखाना है, किस में छोटा दिखाना है। बड़ा दिखाने वाला काम में हम लोग को बड़ा दिखाना चाहिए, छोटा दिखाने वाला काम में छोटा दिखाना चाहिए। प्रभु का सामने, प्रभु का सेवा में, प्रभु का कामों में हम अपने आप को नम्रता होना चाहिए। आमीन हालेलुया हालेलुया। एक नम्रता के साथ हमारा काम, नम्रता के साथ हमारा जीवन, नम्रता के साथ हमारा जिंदगी, प्रभु का वचन के साथ हमारा मेलजोल और एक जीवन नम्रता के साथ होना चाहिए। और बड़ा बन के किस में दिखाए, इस संसार में कामों में तुम अपने आप को बड़ा दिखने से तुम अपने आप को नम्रता बन के चलो। हरेक बातों में, हरेक विषय में नम्रता बन के चलो। प्रभु आप मेरे हाथ पकड़ के चलो। आज अनेक क्रिस्त लोग है, अनेक मसीह लोग है, कब एक दो बच्चे, एक बाप अपना मम्मी और पापा दोनों दो बच्चे को लेके जा रहा था, कब दो बच्चे बोले ये पानी क्रॉस करना है, क्या करे, बोले पानी जोर से आ रहा है। कब उसके पापा ने बोला बेटा तुम इधर आओ, तुम्हारा हाथ मुझे दो और मुझे मेरे को पकड़ने दो, क्योंकि मैं पकड़ के तुमको उधर लेके जाऊंगा। कब एक बच्चे ने बोला पापा मैं आपका हाथ पकड़ लूंगा जोर से, क्या बोला, मैं आपके हाथों को पकड़ लूंगा, ताकत से पकड़ लूंगा। और एक बच्चा ने बोला पापा मेरे हाथ को आप पकड़ लो। आमीन हालेलुया। ये दोनों पास करके गया, पानी जोर से आया और पापा ने किसकी हाथ पकड़ा, वो लड़की को हाथ छोड़ा नहीं है, किसी ने उसने पकड़ा, वो छोड़ दिया, वो चला गया। आमीन हालेलुया। इसी प्रकार हमारा क्रिस्ती के जीवन, परमेश्वर को अंदर रहने वाला अनेक व्यक्ति हो सकता है, प्रभु का पकड़ के चलने वाला व्यक्ति अनेक हो सकता है, लेकिन मैं कहने वाला सत्य ये कह रहा हूँ, मैं कहने वाला वचन ये कह रहा हूँ, हम प्रभु को पकड़ के चलने वाला व्यक्ति नहीं बने, परमेश्वर अपन को पकड़ के चलने वाला व्यक्ति बने। आमीन हालेलुया। प्रभु का हाथ में तुम हाथ देना, प्रभु तुम पकड़ो, आप क्या चाहता है ऐसे मुझे ले चलो, मैं नम्रता से मेरा जीवन बदल जाएगा, मेरी मन से मैं जाऊंगा, कब चाहे तकलीफ आया मुसीबत आया प्रभु को छोड़ दिया। कैसे बच्चे ने पापा को छोड़ दिया, ऐसा छोड़ के नाटक करो, पाप करो, मगजमारी करो, फिर आके प्रभु को पकड़ो, वो नहीं चलेगा। आमीन हालेलुया। उसकी जीवन नरक से भी बेकार नरक में चला जाएगा, नरक में जाएगा उससे भी बेकार नरक में चला जाएगा। लेकिन प्रभु से ये कहना है प्रभु मैं आपको नहीं पकड़ना चाहता हूँ, पहले शुरुआत में प्रभु को पकड़ के अपन चलना है, और अमुक समय होने के बाद परमेश्वर उसकी हाथ हमको पकड़ना चाहिए। कब कितनी भी तूफान आ गए, कितनी भी मुसीबत आ गई, कितना भी तकलीफ हो, कितना भी हैरान हो, प्रभु तुमको छोड़ेगा नहीं, विश्वास का जीवन को भी नहीं छोड़ेगा, क्रिस्ती में तुम खड़ा रहेगा, अंत तक प्रभु तुमको छोड़ने वाला नहीं। वो 100 में से एक जन को ऐसा प्रभु पकड़ के चलाता है, वो 100 में से कौन है, सही तुम हो सकता है, नहीं तो मैं हो सकता हूँ। अनेक लोग मसीह का जीवन जी रहा है, अनेक चर्च में जा रहे हैं, अनेक क्रिस्ती है, वो जरूर होगा प्रभु को पकड़ेगा, जरूर नहीं तो छोड़ देगा। प्रभु भी उसके बारे में ध्यान नहीं बोलता, प्रभु बोलता है मैं तो तेरा हाथ पकड़ने के लिए चाहा, इसीलिए तेरे को मैं ढूंढ के आया, इसीलिए मैंने क्रूस पर मरा, तेरे लिए मैं जीवन गया और मर कर जी उठा, तेरे हाथ को मैं पकड़ने के लिए। तुम बोल रहा है प्रभु मुझे तुम मत पकड़ो, मैं सुधर जाऊंगा, मेरे को और कुछ करना है जिंदगी में, इसीलिए मैं आपको पकड़ू। आमीन हालेलुया। मैं आपको प्रभु चलाने वाला रास्ता में
अनेक विपत्ति आता है, अनेक तकलीफ आता है, अनेक मुसीबत आता है। प्रभु ने कहा अगर कोई मेरे पीछे आने के लिए चाहता है, अगर मैं पकड़ के किसको चलने के लिए मैं चाहता हूँ, वो व्यक्ति अनेक प्रकार का परीक्षा दुखों मुसीबत उठाना पड़ेगा, लेकिन कोई भी मुसीबत तकलीफ हो तुमसे जीत नहीं पाएगा, वो तुमसे हार जाएगा। आमीन, हालेलुया। क्योंकि यीशु तुम्हारा साथ है, यीशु तुम्हारा साथ, हरेक मुसीबत हार जाएगा। इसी प्रकार अपने शिष्यों से बात किया, सारे शिष्यों यीशु के पीछे जाने लगा, कुछ लोग पीछे चला गया। कारण ये है, ये कठिन उपदेश है, इस उपदेश में मैं नहीं रह सकता हूँ। सच्चा उपदेश नम्रता को लाता है और अपने आप को उपदेश को बना के चलने वाला घमंड को लाता है। हम निश्चय से जाने वाला व्यक्ति होना चाहिए, ऊपर से चलने वाला व्यक्ति नहीं होना चाहिए। एक का नम्रता होना चाहिए। तुम सोत्रम बोलने के टाइम वो सोत्रम बोले, वो बैठने के टाइम में तुम बैठे, ऐसा नहीं। नम्रता से बोला, भाई आप बैठिए हम बैठिए। इज्जत से दो, तुम खाने के पहले उसको खिलाओ, नम्रता दिखाओ। कौन सी बाबत में तू नम्रता दिखा सकते, उतनी बाबत में नम्रता दिखाओ, तुम्हारा जीवन बदलेगा। ये सारी वस्तु एक दिन में होने वाला बात नहीं है, थोड़ा 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 करके अपना जीवन में होते रहेगा। कब तक हम, कब तक प्रभु आगमन नहीं आएगा, कब तक हमारा स्वभाव तो शैतान का स्वभाव है, समझ लो। हम तो पाप से जन्म पाया है। दाविद कह रहा है माँ का गर्भ में से मैं अशुद्ध होकर पापों को अंदर में जन्म पाया हूँ। पौल कह रहा है हम पापी इंसान है, हमारे अंदर अनेक प्रकार का गुण रहता है, ऑटोमेटिक रहता है। हम अच्छा करने के लिए सोचता है, मत्ती में लिखा मैं भलाई करने के लिए, अच्छा करने के लिए सोचता हूँ, लेकिन मेरे अंदर बुरा हो जाता है। कारण कि क्यों, मेरे अंदर पाप वास करता है। आमीन, हालेलुया। तूने पाप नहीं किया, लेकिन खानदान खानदान से ये पाप तेरा पीछे आ रहा है, उसी पाप का द्वारा तुम जीत करता है। मैं क्यों करूं ऐसा सोचता है, अरे कामों में मेरे को जाने का क्या जरूरत है करके सोचता है। ये सारी अंदर का पाप तुम्हारा अंदर, मैं कोई बातों में कम नहीं हूं, मैं सत्यों को ऐसा जानता हूँ, मैं सत्यों को यही जानता हूँ। ये पाप तुम्हारा अंदर प्रवेश करके बात करते हैं, लेकिन उसी सारी पाप हमारा जिंदगी में थोड़ा थोड़ा निकलने के लिए समय लगता है। वो पूरी की पूरी निकल जाएगा, तुम्हारा स्वभाव बदलेगा। क्या बदल देगा? तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारा एक्टिंग, तुम्हारा हालचाल, तुम्हारा उठना बैठना, हर एक बातों बदल जाएगा। आमीन, हालेलुया। फिर आगिना मानेगा, कब तक आगिना नहीं मानेगा। इधर आ बोलेगा तो उधर चले जाएगा, इधर बैठो बोलेगा तो वहां जाएगा। कब तक आज्ञा नहीं मानेगा, कब तक तेरे अंदर पाप प्रवेश करता हो। उसी पाप को हम लोग को टुकड़ा टुकड़ा करना चाहिए। अपना भाषा में बोलेगा तो कीमा बनाना चाहिए। क्या बनाना चाहिए? कीमा बना देना चाहिए, बस एकदम जीना जीना टुकड़ा कर देना चाहिए। उसके लिए क्या होगा, टाइम लगता है। आप दुकान में जाओ, मटन वाला बोले कि भाई 1 किलो मटन दे दो, तुरंत करके दे देगा। भाई कीमा दे तो भाई 1-2 कलाक बाद आओ ना, या थोड़ा टाइम लगेगा। आमीन, हालेलुया। क्योंकि मटन ऐसे ऊपर ऊपर कट के दे सकते हैं, कीमा बनाने के लिए टाइम लगता है। इसी प्रकार हमारा जीवन, हमारा जिंदगी, हमारा स्वभाव का क्या करना चाहिए, कीमा बनाना चाहिए। टुकड़ा टुकड़ा डाल दो, नफरत का स्वभाव, गुस्सा करने का स्वभाव, ये सारी स्वभाव क्या करता है, हमको नीचे नहीं होने देते, ऊपर होने देते, हमको घमंड में रख देते हैं। कहाँ रख देते हैं? घमंड। सच्चा विश्वास में चलने वाला व्यक्ति और आत्मिक जीवन में सच्चा रहने वाला व्यक्ति होता है ना, उसके पास पैसे नहीं रहते। क्यों नहीं रहता है? पैसा रहता तो घमंड आ जाता है। पैसा रहता तो क्या होता है, 80 लाख रुपया पड़ा है अकाउंट में, मैं इससे कोई कम नहीं हूँ, घमंड आ जाता। 50 लाख रुपया पड़ा है, देख पैसा है, घमंड आ जाता। इसीलिए प्रभु कह रहा है तू कोई भी बातों में चिंता मत करना, बच्ची पक्षी को देखो, उठने वाला सब को पक्षी को देखो,
वो कोई बात में चिंता नहीं करता है, हर एक दिन उसकी खाना मिल जाता है। आमीन, हालेलुया। इसी प्रकार तुम भी चिंता मत करना, हर एक बातों में प्रभु तुमको देगा, खिलाएगा। कोई भी बातों में लज्जित प्रभु होने नहीं देगा। कैसा एलिया को कौवा का रूप से जाके अपनी खाना को खिलाया, वो भी सादा खाना नहीं है, मटन। आमीन, हालेलुया। मटन को जाके खिलाया, इसी प्रकार प्रभु तुमको खिलाएगा। आमीन, हालेलुया। प्रभु तेरे को खिलाएगा, प्रभु खिलाएगा। एक बार गांव जाने के टाइम ट्रेन में इधर से लींबू का चावल लेके गया था, वो लेमन राइस बोलते हैं ना, लींबू का बनाते चावल, चावल लेके गया, पार्सल भूल गया। बस में से उतरने का टाइम भूल गया, किधर बुला पता नहीं, लेकिन लगता है बस में चला गया। लींबू का चावल और इंडा अंदर रखा, भाई ट्रेन में उस टाइम में दो दिन चलता है ना, खा लेंगे, खाना भूल गया। लेकिन वो गाड़ी जाता है ना नवजीवन, वो जंगल में जाता है, कोई दुकान नहीं मिलता है, दुकान में वड़ा पाव का सेवा कुछ मिलता भी नहीं है, खाना भी अच्छा नहीं मिलता है, समझ। ऐसे समय वो मुसीबत, अभी क्या करेगा, दोपहर को भूख लगेगा, ऐसा करके सोच के टेंशन में, चलो प्रभु कैसा भी खिलाएगा ऐसा करके सोचा। अच्छा पहचान वाला एक मुसलमान आया, पहचान वाला उधर से चढ़ा व्यारा में से, वो भाई किधर है, इधर जा रहा। अच्छा अच्छा ठीक है, बोले वो बोल रहा है, मेरे को पहले मालूम है ट्रेन में जाने के टाइम दो तीन दोस्त तो मिल जाएगा, इसलिए तीन चार जन के लिए मैं खाना लाया हूँ। वो भी कैसा खाना लाया, मटन, मच्छी, फूल सब अपन लेके जाता तो लींबू चावल, लेकिन अपना पास नहीं है तो अभी मटन प्रभु खिला रहे। आमीन, हालेलुया। तो प्रभु चलाने वाला रास्ता अलग ही होता है हर एक जीवन में। क्या आशा करते हैं उससे भी बढ़कर प्रभु अपने जीवन में काम करता है। लेकिन एक बात के लिए, हमारा जीवन में प्रार्थना नम्रता होना चाहिए। आमीन, हालेलुया। पैसा आने से, गाड़ी आने से, जमीन आने से, घर आने से, लोग क्रिस्ती लोग का अंदर भी अपनी जातों में इसी में घमंड दिखाता है। इसीलिए प्रभु एक टाइम में लात मार के बैठा देता है, चल बैठ, उसके प्रार्थना कभी सुनता भी नहीं, बैठ जा भी। हमको इस दुनिया का यीशु के पास गया शैतान, दिखाया यीशु के पास, देख ये सारी देख ले, कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग उस टाइम का, और बड़ी बड़ी सोना चांदी, मेरा पैर पढ़ ले तुम, ये सब कुछ मैं तेरे को दे दूंगा। आमीन, हालेलुया। प्रभु ने बोला शैतान तू क्या मेरे को देगा, ये सब कुछ मैंने बना के मेरे को नहीं चाहिए करके मैंने छोड़ दिया है, ये संसार के लिए मैं नहीं आया। आमीन, हालेलुया। ये संसार का वस्तु के लिए मैं नहीं आया, मैंने बनाया हुआ इंसान के आत्मा को उधार करने के लिए मैं आया हूँ। आमीन, हालेलुया। उधार करने के लिए हमारा प्रभु आया। ये संसार को लोगों को अंदर ये मिल गया वो मिल गया तो उसमें माया हो जाता है, पैसा में लालचल हो जाता है, उसमें से घमंड भी बढ़ जाता है ऑटोमेटिक। दुकान में जाएगा एक वस्तु लेगा तो एक वस्तु फ्री, इसी प्रकार ये इस संसार का बात तेरे को देगा तो नम्रता को छोड़ के घमंड को फ्री में दे देता है शैतान ऑटोमेटिक। आमीन, हालेलुया। कैसे ऑटोमेटिक हो जाता है, फ्री में तुमको दे देगा, हम सोच ही नहीं सकता है। अभी बहुत सारा गाड़ी आया है, सिस्टम भी बहुत सारा आया, एक काम करो दूसरी ऑटोमेटिक वो कर देता है। आमीन, हालेलुया। इसी प्रकार हमारा जीवन है, हम उसको हम दूसरी वस्तु को इच्छा नहीं करते हैं, लेकिन ये करने कारण दूसरी की वस्तु के ऊपर हम इच्छा कर देते हैं। इसलिए मेरे जीवन में मैं आज भी इतनी प्रचार करता हूँ, आज भी क्रिस्ती के जीवन में मैं कराता हूँ, एक बात प्रभु के ऊपर प्रेम रखता है, प्रभु के ऊपर प्रार्थना करता है, प्रभु के लिए रास्ता को सच्चा में चलने चलता है, वो कोई भी व्यक्ति हो, वो गरीब हो, अमीर हो, नीचा रहने वाला हो, ऊपर रहने वाला हो, उसके लिए कुछ भी मैं करता हूँ। आमीन, हालेलुया। लेकिन सत्य को छोड़ के, प्रभु चलाने वाला रास्ता को छोड़ के, वचन को छोड़ के अधर में कोई भी व्यक्ति जाता है ना, उसको मोड़ के भी नहीं देखता हूँ। आमीन, हालेलुया।
टीवी नहीं देखता हूँ, इतना जीत लगा। कोई कोई तो 20 साल 25 साल तक मूड के नहीं दे, सच्चा को जान के भी सच्चा को रास्ता को जर मेरा मेरे पापा बोलेगा तो यीशु को पसंद नहीं है, मुझे भी पसंद नहीं है। आमीन हालेलुया। ऐसे जीवन पिता ना नम्रता रहेगा तुम्हारा अंदर। आमीन हालेलुया। मेरा प्रभु का पसंद नहीं है, मुझे पसंद नहीं है, नम्रता दिखाओ। प्रभु का पसंद है वो काम कुछ भी होगा तो करो बिंदास, तुम्हारा अंदर नम्रता आएगा। प्रभु का पसंद नहीं है वो काम, कोई भाई हो, बहन हो, काका हो, दादी हो, काकी हो, वो मेरा रिश्तेदार में भी बहुत सारा लोग है, लेकिन हिंदू होता है ना हिंदू, और हिंदू लोग होता है ने प्रभु का नहीं जानता है, उनके लिए मैं मदद करता हूँ। क्यों? प्रभु को वो नहीं जानता है, वो कोई भी टाइम उसके लिए खड़ा रहता हूँ, लेकिन प्रभु के जानने के बाद भी शैतान बच्चा लोग को अधर्म में चलता है ना, उसके लिए कभी सोचता हूँ कि चक्कू होगा तो कट डालूँ, लेकिन जाने दो। हमें हालेलुया। प्रभु के जानने के बाद भी बिंदास करने वाला व्यक्ति, हमें हालेलुया, उनके पीछे मोड़ के भी हम नहीं देखते हैं। वो कोई भी व्यक्ति हो, प्रभु ने रखा हुआ स्थल, प्रभु ने रखा हुआ बात, प्रभु ने रखा हुआ सत्य में चलने वाला व्यक्ति होना चाहिए। मेरा भाई लोग भी है, छोटा है बड़ा है, वो सब सच्चा से चलता तो थोड़ा बहुत बात करता हूँ, नहीं तो भाई हो के मेरा बहन भी है गांव में, नहीं करता है, सीधा चलेगा उसको बोलेगा चर्च कृपासन कौन सा दिन तू छोड़ दिया ये चर्च, उसी दिन अपना भी कट हो जाएगा। आमीन हालेलुया। और इधर है कि हमारा भाई खुद गांव से फोन आ रहा है, वो बच्चा हुआ है, जन्म हुआ है, जाके देख लो सब कुछ एडजस्ट करो। मैं बोला सब कुछ मैं एडजस्ट कर सकता हूँ, लेकिन आज भी आप जाके पूछो पलपंडी या दास पास्टर को पूछो, वो बोलेगा सेल्लों फाइनल कर दिया तो उसमें खड़ा रहेगा, भला कोई भी नष्ट होगा तो भी चलेगा। आमीन हालेलुया। कहने का मतलब खुद की भाई हो फिर बहन हो, अनेक लोग बोला कि बच्चा को तू बच्चा को देख बाप को देख, मेरे को कब से प्रैक्टिस में लिया, कब से मेरा भाई बहन कौन है? प्रभु का वचन को सुनने वाला, सत्य में चलने वाला। आमीन हालेलुया। मांस का शरीर के अंदर कोई दोस्त भी नहीं है, कोई भाई भी नहीं है, कोई बहन भी नहीं है। क्यों? सत्य को जान कर रहने वाला व्यक्ति छुप के जाके देख के आ रहे। एक बार छुप के जाके देख के आ रहा था यीशु को एक जन, बहुत बड़ा पंडित। यीशु ने बोला तू फिर से जन्म होना, ये रात को अंधेरा में आके मेरे से पूछ रहा करके बोला। इसी प्रकार छुप के काम करता है ना सत्य के विरोध में, वो फिर से प्रैक्टिस में उसको देने का है। हमें ना ले लिया, फिर से जन्म होना जरूरी है। वो भाई है, बहन है, कोई भी व्यक्ति हो, मैं कह रहा हूँ उसके वजह से परिवार में श्राप आएगा, उसके वजह से परिवार लॉस होगा, उसके वजह से अधम्र होगा। आपको नहीं पता ये सब बाइबल में लिखा, वो सब निकालूंगा ना तुम बच जाएगा। हमें हालेलुया। हम सोचते छोटे हैं, क्या करें क्या करें नहीं, उनके लिए हम प्रार्थना करना, क्या करना चाहिए? प्रार्थना करना, उनके साथ संबंध नहीं रखना। प्रभु के सत्य को जान के जाने वाला उसको बोलते घमंड, उसका क्या बोलता है? घमंड। सत्य को आगे ना नहीं मानता है उसको बोलते घमंड, उसको नम्रता नहीं बोला जाता है। एक सेवक को सेवक नफरत करने वाला बातों में तुम प्यार करता है उसको बोलते घमंड, उसको कभी जिंदगी में प्रभु ग्रहण नहीं करता है, याद रख लेना। कब कलीसिया नफरत करता है उसी वस्तु को तुम प्यार करता है उसको क्या बोलता है? घमंड। वो बोलता है उसको प्रभु पसंद नहीं करेंगे। कब कलीसिया प्यार करता है, चर्च में प्यार करते हैं, और एक सेवक प्यार करता है उसको ऊपर तुम प्यार करना, वो प्रभु भी प्यार करता है। आमीन हालेलुया। तुम्हारा एक दुश्मन हो, परमेश्वर के एक दुश्मन हो, वो हर एक व्यक्ति के लिए भी एक दुश्मन का सर का कड़ा। क्यों? तुम्हारा उसका मेरा कोई लेना देना नहीं, एक ही लेना देना है, ये बाइबल का लेना देना है, एक ही लेना देना है, बाइबल का लेना देना है। समझ लो, वचन जान लो, वचन को छुटकारा तुमको देगा। अभी तक फोन आता है भाई जाके देख लेना, वो माफ़ी मांगने के लिए चाहता है, वो ये करने जाता है, मेरे भाई के बारे में बोला, ऐसा बहुत सारा है आइटम है। मैं बोलता हूँ कोई भी भाई है बहन हो कलीसिया में आना चाहिए। किधर आना चाहिए? हमारा लोग के साथ मिल के आराधना करते अच्छा से रहेगा,
वो भाई और बहनों हमारा है, हमें ना ले लिया, हमारा कलीसिया में नहीं, हमारा संगति में नहीं। मांस को ऊपर प्यार करना, वो बाइबल आधा कोपड़ी में जाना होगा ना, उसको पता नहीं गया। किसको पता नहीं गया? वो बाइबल कॉलेज में पढ़ा होगा, आधा कोपड़ी में बाइबल पढ़ा होगा, उसको मालूम है ये सारी बातों को। सारा दुनिया भर के मांस रहेगा, आत्मिक रीति बात एक तक्का भी नहीं रहता है, आत्मिक रीति का एक तक्का भी। उसको दोस्ती का बड़ी है, उसको संसार का बड़ी है, उसको भाई बड़ी है, बहन बड़ी है, वो बड़ी है, लेकिन सच्चा से चलने वाला व्यक्ति को परमेश्वर पड़ी है। हमें ना ले लिया। घर में मेहमान आ रहा है, आपके घर में अचानक मेहमान आने वाला है, आप खाना बनाने के लिए बोल दिया, आपको आपको क्या बोल दिया? खाना बनाने के लिए बोल दिया, तो आप खाना बनाए, समझ लो कौन बनाएगा? रविना बना रहा है खाना, समझ, बड़ा यह आने वाला है, तू बोले यार रविना बेट तू खाना बना ले, वो तुम्हारा हाथ से बनाना। तो रेशमा को बोला तुम्हारा बनाना एक टाइम, उनको बोला, इनको बोला बनाओ, आप कैसा बनाएंगे? उसमें नमक कितना डाल रहा है, मर्चा कितना डाल रहा है, हमारे पास्टर को अच्छा लगेगा क्या नहीं अच्छा लगेगा? ध्यान से चुन चुन के ध्यान से करता है। इसी प्रकार हमारा प्रभु जीवित है, उसी प्रभु को चुन चुन के उसकी पसंद का जीवन अपन को बिताना है, वही है नम्रता। आमीन, हालेलुया। कैसे एक टाइम खाना के लिए हम चुन चुन के करते हैं, इसी प्रकार मेरा परमेश्वर तुम मुझे उदार किया हुआ प्रभु, कभी दुख नहीं होना है, कभी सत्य में हम डाइवर्ट नहीं होना चाहिए, उसी प्रभु के लिए तुम चुन चुन के, मेरा प्रभु गुस्सा नहीं होना चाहिए, मेरा प्रभु मुंह नहीं छुपाना चाहिए, मेरा प्रभु टेंशन नहीं होना चाहिए, मेरा कलीसिया टेंशन नहीं होना चाहिए, मेरा सेवक। इसी प्रकार क्रिस्ती के जीवन को चुन चुन के अपना जीवन को पीता हो। हमें ना ले लिया। क्या पीता हो? जीवन। एक दिन रविवार के दिन मेरे साथ और बाकी 6 दिन 7 दिन कान चुप के कौन से नाटक करके आता है, उधर यीशु देख रहा है, वहां चुन चुन के प्रभु के लिए जीना चाहिए। हमें हालेलुया। ऐसे जीवन तुम पिताएगा, जरूर प्रभु आशीर्वाद करेगा। इसीलिए अनेक वचन को हमने पढ़ के आया, उसमें हमने मैंने गया बार बोला था, कौन नम्रता नहीं किया उसको प्रभु ने क्या किया? खत्म ही कर दिया। फारून को चांस प्रभु दे रहा है, मौका प्रभु दे रहा है, चांस मौका उसको यूज कर लो। ये फारून क्या किया? मोसे और हारून जाके बात किया, मेरे लोगों को जाने दे, प्रभु के लोगों को, मेरे बच्चा को जाने दे करके। वो बोला मैं क्यों झुकूं, मेरा प्रभु थोड़ी है, वो मेरा प्रभु थोड़ी है, मैं नीचे झुकने वाला इंसान नहीं हूं, फारून ने बोला। वो भी कुछ भी बोलो, बच्चन कुछ बोलेगा तो मैं थोड़ी उसमें मानूंगा, मैं थोड़ी सुधरूंगा। ऐसा बोलने वाला के जिंदगी समुद्र का बीच में उसकी जीवन मर गया। हमें हालेलुया। वो संसार छोड़ के चला गया, मुझे आपको सुधार के अच्छी स्थान में लेके जाने वाला प्रभु का वचन। उसी वचन में तुम नम्रता करो, तू अपने आप को सिर को झुकाओ, कोई बातों में तू कमी नहीं होगा, सत्य के लिए तू जीवो, कोई काम में तेरा जीवन में कमी नहीं आएगा, वचन के ले रहो, सत्य में सत्य बोलेगा तो क्या है, कौन सी बातों को सुनते हैं उसी प्रकार चलने के लिए सोचो। वो भी हमने वचन पढ़ा, ये लोग को वचन को सुन के बिना सुन के रहता था, प्रभु को क्रोध आया। आमीन, हालेलुया। दूसरी काल उतार उसकी 33 दसवा वचन, यहोवा ने मनसे और उसकी प्रजा से बातें की, परंतु उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया। हाँ, नीचे। तब यहोवा ने उन पर असुर के सेनापतियों से चढ़ाई करवाई, और ये मनसे को नकेल डालकर। हाँ, किसने चढ़ाई कराया? असुर के सेनापति। नहीं, उससे पहले किसने चढ़ा किया? प्रभु ने। हाँ, पढ़ो फिर जाओ ऊपर से, फिर से पढ़ो वही वचन को ऊपर से। यहोवा ने मनसे और उसकी प्रजा से बातें की, परंतु उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया। इसीलिए तब यहोवा ने उन पर असुर के सेनापतियों से चढ़ाई कराया। आमीन, हालेलुया। किसने चढ़ाई कराया? यहोवा ने। वो बात है। आमीन, हालेलुया। किसी ने टेंशन कराया?
किसी ने झगड़ा कराया, किसी ने बोला यहोवा ने, आमीन हालेलुया। क्यों प्रभु ने किया? मेरी बात को नहीं सुनता है, मैं हाथ से मारने के लिए सोचता हूँ, तू जा चप्पल से मार काले, आमीन हालेलुया। उसकी अर्थ वही है, मैं उसको सुधारने के लिए सोचता हूँ, मेरी बातों में तू नहीं सुधरेगा, बाहर जाके तू दुनिया लोगों को बस मार करके सुधर जा, आमीन हालेलुया। यहोवा चढ़ाया, दुश्मन बोला के चढ़ा के बोला के इसको मारो, लेके जाओ, जाके जेल में डाल दो। बिंदास घूमता है, इसीलिए तो शैतान एक जगह में टिकता नहीं है, इसीलिए ना रखो अंदर, अभी चुपचाप बेटा अंद में, इधर आओ बोलेगा तो उधर चुप चुप के। नवसारी में कब हम सेवा करते, एक जन को बोला टेस्टी के आदम को प्रभु ने बोला ये काम मत करो, वही करता है शैतान, इसी कारण पाप हो गया दुनिया में। आज भी तुम लोग को बोला है ना ये मत करना, वही करेगा। तू सोच लेना कौन सा फिल्टर है तेरे अंदर। उसको मिलने का नहीं, उधर ही मिलेगा, वो आदम का अंदर का बी है, वो वही करेगा, आमीन हालेलुया। वो कब तक वो बी का काम करते रहेगा ना, कब तक तेरा जीवन में आत्मिक जीवन आशीर्वाद नहीं है, आमीन हालेलुया। आदम को बोला उसी दिन तू कौन सी बातों को मेरा माना नहीं, उसी दिन तू मर गया, बोला तुम्हारा आत्मा उसी टाइम मर जाता है, समझ लो। एक पास्टर को एक सेवक ने बोला, उसको कोई भी बातों में चोरी करने का आदत है, क्या आदत है चोरी करने का, उधार होने का पहले, उधार होने के बाद उसको बोला तू चोरी मत करना। एक दुकान में गया गैरेज में, वो बोला ना एक नट, उसके बाद 5 पैसा का नट है, कितना पैसा का 5, फिर भी बोला बाद में देखते, उसको उठा के इसने खुद टाइट करके आया, वो प्रार्थना किया तो उसके सामने नट दिखाई दिया, पहले उसका नट उधर रखिया, मैं तेरे से बात करूँगा। ऐसा प्रभु तुमको दिखाई देगा तो तू क्या करेगा, समझ लो, प्रभु नहीं दिखाई दे रहा है उसके कारण तू सोचता होगा मेरी प्रार्थना जा रहा है, उससे प्यार किया इसीलिए दिखाई दिया। हमसे प्यार करेगा तो दिखाई देगा, तू कहाँ जा रहा है इधर पसंद नहीं है, इधर जा रहा है इधर पसंद नहीं, इधर बात कर रहा है वो पसंद नहीं, ये सब कुछ प्रभु दिखाएगा तो ऑटोमेटिक इंसान सुधर सकता है, आमीन हालेलुया। हाँ क्रिया देखो, इधर वो बोल रहा है उसको समझाया, समझता नहीं है, प्रभु ने बोला ये ऐसा नहीं समझे, कोई बोलता है ना सीधा समझाएगा, नहीं समझाएगा तो टेढ़ा समझाना पड़ेगा, आमीन हालेलुया। इसीलिए प्रभु बोलता है सीधा मैं समझा रहा हूँ, नहीं समझ रहा है उसको टेढ़ा टेढ़ा समझाएगा तो ऑटोमेटिक क्या बोलता है, ठीक है प्रभु वो कोई बात नहीं, अच्छा है मैं मानता हूँ, आमीन हालेलुया। एक जन बहुत बार उसको समझाया एक बात के लिए, ये काम मत करो वो काम मत करो करके बहुत समझाया, लेकिन समझता नहीं है, वही करते रह रहे करते रह रहे, जाने दो करके छोड़ दिया। एक दिन कुछ करता होगा, कुछ अंदर चला गया, मोड़ा में चला गया, कोई लकड़ा चला गया ऐसा लगता है, लकड़ा के कोई अंदर ऐसे ऐसे रखा होगा, अंदर चला गया, इधर जाके अटक गया, इधर जाके अटक, अभी खाना नहीं खा सकता, पानी पिएगा तो भी अंदर नहीं जाएगा, रोज पार्टी, पहले हर शनिवार को चिकन खाना है, फोटो आएगा मोबाइल में व्हाट्सएप स्टेटस में, इधर चिकन का है इधर मटन का, रोज पार्टी, अभी 4 दिन से पानी भी नहीं। धीरे से आया घर पे, दरवाजे ठोकर धीरे बोला इधर अटक गया, क्या करे, दवा खाने जा रहा है, ऑपरेशन करने के लिए बोल रहा है, और डॉक्टर तो वही बोलेगा ना, ऑपरेशन करने बोल रहा है, लाखों रुपया खर्चा बोल रहा है, लेकिन इधर से कटना पड़ेगा, इधर से कटना पड़ेगा तो क्या होगा, आदमी मर सकता है कि नहीं, वो डर आ गया, सो रहा है, अभी मैं बात मानूंगा सुनूंगा, अभी पार्टी नहीं करने का, दोस्तों के साथ नहीं, हाँ सब कुछ ओके सब कुछ ओके, अभी तो मानेगा नहीं, मैं बोला आज प्रार्थना नहीं करूँगा 2 दिन के बाद, तुरंत नहीं करने का, तुरंत सुधर जाएगा तो फिर अपन भी छोड़ना पड़ता है, हमें ना ले लिया, जाओ 2 दिन के बाद आया, चलो प्रार्थना कर प्रार्थना कर प्रार्थना कर तेरी आई। एक दिन आया केला खा रहा, मैं बोला खाओ, नहीं खा खाओ कुछ नहीं, अच्छा हो जाए, केला खाया तो लकड़ा चला गया, हमें ना ले लिया।
हो गया बस, प्रभु चलाते हैं, प्रभु करता है। प्रार्थना नहीं की, अच्छा हो गया, उसको सुधारने के लिए लकड़ा रखा, समझ लो, उसके लिए वो घुमा। इसी प्रकार सीधा उसके बाद सीधा हो गया, आज भी सेवा कर रहा है, अच्छा है मद्रास में। कहने का मन अर्थ ये है, हम सीधा प्रभु समझाए 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 सीधा नहीं चलेगा, वो टेढ़ा। प्रभु बोलता है मैं उसको ऊपर क्रिया करूंगा, उसको उठा का वचन पूरा करो उसको। हाँ, तब यहोवा ने हाँ उन पर अश्शूर के सेनापतियों से चढ़ाई कराई। हाँ, और ये मनसे को नकेल डालकर और पीतल की बेड़ियों से जकड़कर हाँ उसे बेबीलोन को ले गए। कहाँ लेके गया? पापों में डाल दिया, सही टाइम बेबीलोन में ले गया। वो कैसा पीतल का वेली बनाया, सादा वेली नहीं है, भाग जाएगा। पीतल का वेली बेबीलोन में डाल दिया, पाप में रो रहा है अभी, प्रभु मेरे को बचाओ, प्रभु बचाओ, अभी मैं आऊँ नहीं करूँ, मैं सीधी तुम्हारा बात मानी ने सीधी चलूँ सीधी चलूँ। फिर प्रभु उसको ऊपर दया करके वो नम्रता किया, प्रभु उसको अच्छा किया। हमें ना ले लिया, हमारा जीवन में भी हम कैसे जाना चाहिए, कैसा रहना चाहिए, ऐसे हमारा जीवन को पिता हो। ये बार उनको प्रभु ने समझाया, इसको समझाया, वो नहीं समझा, टेढ़ा चला, लेकिन फिर भी मन फिरा। लेकिन ये पारवन मन नहीं फिरा, पारवन मन नहीं फिरा, इसी कारण पारवन को क्या कर दिया प्रभु ने? मार डाल दिया। आज हमारा अंदर भी मन फिरने वाला एक अनुभव होना चाहिए। दूसरी काल उत्तर उसी वचन 33 का 33 और 23 24। जैसे उसका पिता मनसे, कैसे उसका पिता मनसे यहोवा के सामने दिन हुआ, यहोवा का सामने दिन हुआ, हाँ दिन न हुआ, हाँ ऐसे दिन नहीं हुआ, हाँ हाँ अधिक दोषी होता गया। हाँ, उसके कर्मचारियों ने हाँ द्रोह की गुस्ती करके हाँ उसको उसी के भवन में मार डाला। आमीन, हालेलुया। इधर मनसे का लड़का आमोन, पप्पा नम्रता, किसकी लोगों माँ बाप है ना बहुत नम्रता रहता है, क्यों मम्मी पापा लोग बहुत कमाता है, बहुत नम्रता से जीवन पीता है। ये बच्चा लोग को देखने का कुछ काम नहीं करते है, काम धंधा नहीं करते है, अच्छे अच्छे कपड़ा पहने, अच्छे अच्छे उसारी मारे, घमंड दुनिया पर बहुत सारा क्रिस्ती के जीवन में ऐसा। लेकिन इतना सारा पैसा रहने के बाद भी वो क्या करते हैं? नम्रता रहता है, क्या रहता है? नम्रता। लेकिन ये बच्चा लोग को क्या हो जाता है? शैतान बन जाता है। इधर बन गया था शैतान, बन गया ना एक शैतान, शैतान बन गया। वचन में लिखा उसका पप्पा का कितना नम्रता था, उनके परिवार का कितना नम्रता था, ऐसा वो नहीं है। माँ बाप सत्य को जानता है, ऐसे बच्चे नहीं चलता है सत्य में। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? वो बच्चे लोग को सत्य में चलाना पड़ेगा, हमको इधर प्रभु का अंदर उसको रख के चलाना पड़ेगा। इसलिए मैं बोलता हूँ कभी भी तुम्हारा बच्चे लोग को, क्यों शैलेश को भी बोलता हूँ, सबको बोलता हूँ, तुम्हारा जीवन तो हो गया चल रहा है जाने दो, लेकिन अभी बच्चे लोग का जीवन है। किसका जीवन है? बच्चे लोग, उन लोगों का आशीर्वाद होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। उनको कभी भी चर्च छोड़ के घर में रहने के लिए अनुमति मत देना। पेट में दुखता, पैर दुखता, कुछ भी दुखने दो, चल ऐसा बोलने का। हमें ना ले लुया, इधर काम है उधर काम है, छोड़ने का नहीं। क्यों? थोड़ा दिन तक वो प्रभु के पास पकड़ के विश्वास में आ जाएगा ना, उसकी बात उसका शादी विधि होगा, फिर वो जाने वो परिवार जाने। हमें ना ले लुया, कब तक हम उसको अच्छा कामों में उसको ले जाना है। हमें ना ले लुया, इसीलिए इधर हम देख रहा है माँ बा माँ उसका पप्पा लोग इतना अच्छा विश्वास नम्रता व्यक्ति चल रहा था, लेकिन बच्चा एक नंबर का हरामी। कोई कोई पास्टर का बच्चा भी हरामी बन जाते हैं, कोई कोई सेवक कल का अंदर करने वाला, अनेक लोग इसी प्रकार हो जाते हैं। उनको नम्रता सिखाओ। हमें ना ले लिया, बोलेगा मैं बचपन से मैं क्रिस्ती हूँ, मैं पैदा हुआ कब से क्रिस्ती, लेकिन तुम्हारा माँ का विश्वास तेरे पास नहीं है, तेरा पापा का विश्वास तेरे पास नहीं है, तेरा परिवार का विश्वास नहीं है, नहीं है तो क्या करने का? चप्पल से मानने का। हमें हालेलुया, आना चाहिए वो विश्वास। इधर कह रहे उसके पापा का विश्वास कैसा था, लेकिन उसके बच्चे का विश्वास नहीं है। इसीलिए उन लोग को क्या किया? उसको लेके जाके उसको मार डाल दिया। उसको क्या किया? मार डाला। पढ़ो गुजराती में,
पड़ रहे इसमें तुम फिर सो जाएगा उधर ही पलंग का साथ लोग वचन पर सबको बोलना पड़ेगा वचन निकाल के रखना किसको भी बोलू हाँ पढ़ा पढ़ा जल्दी कौन सा वचन है मालूम है कि नहीं तैतीस हाँ पढ़ो पढ़ो અમેન તેના ચાકરોએ તેની વિરુદ્ધ વાત કરીને તેના પોતાના મહેલમાં જ તેને કાપી નાખ્યો કોણ સા મહેલમાં કાપી લાકલો પોતાના મહેલમાં નાટક કરેગા ને ઉધર ઇધર નહીં ખુદ કી મહેલ મે ઉસકો ક્યા કર દિયા અમારા સ્વભાવ એસા નહીં હોના ચાહીએ અમેન હાલેલુયા એસા હમ લોકો આગે અમારે બચ્ચે લોકો ભી ચલાના હે મેરે સે ભી બઢકર મેરે બચ્ચો કો વિશ્વાસ આગે હોના ચાહીએ ऐसी बावत में उनको लेके हम लोग को चलाना चाहिए। वो बोल रहा है नम्रता नहीं हुआ, अनेक लोगों गलती तो किया है लेकिन नम्रता होने से प्रभु उसको माफ़ किया क्षमा किया, लेकिन ये व्यक्ति नम्रता नहीं हुआ इसीलिए प्रभु ने क्या कर दिया लोगों मिट के उसको कट डाल दिया। उसकी 36 पढ़ो दूसरी काला अवतार उसकी 36 उसको 13 से 13 पढ़ो 12-13 जिसने उसे परमेश्वर की शपथ खिलाई थी उसने उससे बलवा किया और उसने हट किया और अपना मन कठोर किया कि इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की ओर न फिरे। सब प्रधान याजकों ने और लोगों ने भी अन्य जातियों के से जिन्होंने काम करके बहुत बड़ा विश्वासघात किया कौन सा किया विश्वासघात। देखो उसका पप्पा कैसा है, कौन है वो, कितनी बड़ा फेमस वाला है ना, आग का पट्टी में डालेगा तो भी बोलता है मेरा विश्वास में मैं अंदर रहूँगा। बोलो सदाक नेसा का उनका परिवार का बजे कितना बाप उसका पप्पा कैसा है, प्रभु के लिए खड़ा हुआ मरने के लिए भी, समझ लो कैसा लोग है। दानियल 5:22 पढ़ो, दानियल 5:22-30 तू जो उसका पुत्र है और यह सब कुछ जानता था तो भी तेरा मन नम्र न हुआ। सब कुछ तू जानता था फिर भी तेरा मन नम्रता नहीं हुआ इसी कारण वरन तूने स्वर्ग के प्रभु के विरोध सिर उठाकर उसके भवन के पात्र मंगवाकर उसकी पवन का पात्र मंगाकर अपने सामने रखवा लिए अपने सामने रखा और सामने रखने के बाद उसको दारू पीने लगा और आने के खराब काम करने लगा। किधर? प्रभु का मंदिर में। किधर? मंदिर में नाटक किया तो चलेगा लेकिन उसकी बर्तन को लेके नाटक किया। बोलो प्रभु का बर्तन बोलेगा तो क्या है, प्रभु का सामान, आराधना स्थल, आराधना का वस्तु, समझ लो उसको लेके नाटक किया, सिर ऊंचा करके मगजमारी किया प्रभु का सामने। ये कौन है, इन लोगों प्रभु के लिए जीने वाला उसके माँ बाप लोग इतना बढ़िया लोग है, प्रभु के लिए मर जाएगा, मेरे का हक्का भट्टी में डालो मैं मरेगा जिएगा तो भी प्रभु के लिए बोला, ऐसी परिवार खानदान लोग हो और दानियल का अंदर रहने वाला इतने लोग है लेकिन उन लोग को ऐसा नाटक कर रहा है। अमीन हालेलुया। आप सोच लो, इसलिए मैंने पहले बोला प्रभु का कलीसिया में करने वाला नाटक उनके सामने प्रभु गुस्सा में रहता है। अमीन हालेलुया। ऐसे नाटक करने वाला व्यक्ति को हम ज़्यादा उसके साथ प्यार करेंगे ना तो उसमें मैं अपन भी उसमें भागे उसको ऊपर आने वाला गुस्सा हमारा ऊपर आ जाएगा। ये है बात, उसी सावधान में रहना चाहिए। ऐसे लोग प्रभु का विरोध में क्रिया करने वाला प्रभु का विरोध में चलने वाला ऐसे लोगों को एक ग्लास पानी भी मत पिलाना। क्या नहीं पिलाना क्या पानी? आगे अभी क्या करे कोई नहीं भाई, सोच रहा जाके आना, मेरे को जाने का है जल्दी, मेरे को जाने का काम है, ऐसा बोल के चला जाना।
बात जाने का। पौल कह रहा है मेरे पवित्र के लिए पापों को देख के मैं पाक गया। क्या किया? पाक गया। पवित्र के लिए, अच्छा के लिए, सच्चा के लिए तू भाग भी जाओ कोई बात नहीं, आमीन हालेलुया। तुम उसमें से जीत नहीं पा रहे। मेरा भाई आया है मैं क्या बोलूँ, मेरा पुराना दोस्त आया मैं क्या बोलूँ, बोल रहा मेरे को थोड़ा काम है मैं जा के आ रहा हूँ, दूसरी बार आना, भाग जा, आओ बेटो चलो एक ले चिकन मंगाओ। वो दिन के बाद मेरा दोस्त आए, देखो अन्य जात वाला कोई भी आ रहा है उसका एक किलो नहीं दो किलो चिकन भी खिला, तेरे लिए आशीर्वाद। लेकिन सत्य को मानकर सब कुछ प्रभु का जान के नाटक करने वाला को मैं कहने वाला बात, एक ग्लास पानी भी मत पिलाना हमें ना ले ले। वो तुम्हारे लिए तुम्हारा परिवार के लिए बड़ा तकलीफ। आओ बेटो चल चल, बहुत दिवस बचे हो। कोई लोग बहुत जोक मारते हैं, भाई तुम्हारा घर का खाना बढ़िया लगता है इसीलिए आया हूँ, अच्छा रोटी बनाने ऐसा, अच्छा ये बनाए रोटी बनाए, नमक डाल देने का जा दे। सत्य के लिए करना पड़ता, खा के भाग जा हमें ना ले लो जा। अच्छा खाना चाहिए, टेस्टी खाना है। कुछ लोग है शैतान का लोग, मेरे को पता है इधर है का पता नहीं उधर इधर है, बोला खाने के लिए सावधान रहने का। एक जन को लेके आओ, दोस्तों को लेके आओ, पेटा खिलाओ, कोई वादा नहीं। लेकिन क्योंकि नरक पे जाने वाला, प्रभु वचन कह रहा है अगर कोई सत्य को जानने के बाद भी वो पीछे हट गया ना, वो व्यक्ति को वापस अंदर लाना बोलेगा तो बहुत मुसीबत है, बहुत मुसीबत। ऐसा लोग के सामने सावधान में रहना चाहिए। अन्य लोग के साथ में अपना कोई भी बातों में कामों में हम लोग को रे चले कोई बात नहीं, लेकिन अधर में सब कुछ मालूम हो के, सत्य मालूम, वचन मालूम, हर एक बातों को मालूम हो के भी नाटक करने वाला का साथ में हम भी अपने आप को सावधान रहना, नहीं है तो वो अपन को लेके चला जाए, अपन को लेके चला जाए। एक लड़की एक लड़का से प्यार कर रहा था, एक विश्वासी, वो दुनियादारी अदर समझ लो कि शैतान को मानने वाला अदर मान, उससे प्यार कर रहा था। ये बात बड़ा हो के आया मेरे पास आया, तो मैंने उसका फ़ोन में बात किया, ऐसा काम करेगा वो अन्य जात वाला है, वो कल उठ के तेरे को उधर उधर लेके जाएगा, ऐसे ऐसा बोला ना उसको। वो बोला नहीं नहीं उसको तो मैं सुधार दूंगा, मैं सुधार दूंगा उसको। मैंने बोला वो 55 से सोना नहीं पहना, 55 से ये नहीं किया, कहीं मंदिर नहीं गया, ये बोल रहा है मैं इसको सुधार दूंगा। लड़की शादी सब नक्की हो गया, पत्रिका छपाया, धीरे से बोला, लड़का बोला पत्रिका छपा के सब कंफर्म, अभी परसों शादी है, आज दो दिन का पहले बोल रहा है जाओ सब पहन के आओ, कभी शादी होगा नहीं तो होने वाला नहीं है। कैसा शैतान का ट्रिक कैसा है, जाना पड़ा पहन के आना पड़ा, और बोला शादी करने का मंगलसूत्र सच्ची हुआ बात है, पिक्चर का बात नहीं रियल हुआ है। मंगलसूत्र बांधने के लिए गया, कब बोला मेरे साथ मंदिर आना पड़ेगा नहीं तो मैं इधर शादी छोड़ दूंगा, कोई बात नहीं आऊँगा, बांध दिया आमीन हालेलुया। दूसरे दिन मंदिर में भी लेके गया, पूजा भी करा दी। उसकी भक्ति को अपन मना नहीं करता है, लेकिन एक विश्वास बचा, ये छोटा इसमें क्या हुआ, वो तो मैं सुधारूंगा, तू क्या सुधारेगा, वो तेरे को सुधार देगा हमें हालेलुया। इसीलिए हमको भागना है हमें हालेलुया। सब कुछ नहीं पाया जाओ, सब प्रार्थना करो प्रभु, हरेक सत्य को नम्रता से चलने वाला व्यक्ति को प्रभु साथ रहता है, नम्रता से चलने वाला व्यक्ति को प्रभु साथ रहता है। किसके अंदर में घमंड होता है, नम्रता होता है, घमंड किसके अंदर होता है, प्रभु विरोध में कर